हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि एक भाई ने 10-10 एचपी के दो प्लांट लगाए हैं और उनके माध्यम से 20 एचपी की सोलर आटा चक्की चलाई गई है। तो दोस्तों, हमारे थ्रू उन्होंने सारा इंस्टॉलेशन करवाया है और वो सिस्टम जो है रेडी हो चुका है चलने के लिए। और कितना गल्ला ले रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। लगभग 1.5 से 2 क्विंटल तक गल्ला चक्की निकाल देती है एक घंटे में। आपको विश्वास ना हो दोस्तों, वीडियो पूरी देखें, अभी आपको सारा दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है ये 20 एचपी की मोटर चल रही है, क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंपनी की, 960 आरपीएम में है। और आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, एक टावर ये लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कितने पैनल हैं आप इसमें देख ही सकते हैं। और एक टावर दोस्तों ये यहाँ छत पर लगा हुआ और एक ये यहाँ पर, टोटल 3 टावर लगे हैं दोस्तों। टावर में जो टोटल पैनल लगे हैं दोस्तों, वो 64 पैनल लगे हैं, जिसमें कि 335 वाट का एक पैनल है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे टावर, टोटल जो पैनल की संख्या है वो 64 है। और दोस्तों, एक जो पैनल है वो 335 वाट का है, लगभग 21-21.5 किलो वाट के आसपास टोटल पावर हो जाती है। तो इनका जो लोड है वो थोड़ा बड़ा है दोस्तों। पहले ये इंजन के थ्रू डबल पटे का लोड अपना चलाते थे, तो कह रहे थे कि भैया दिन में 2 से 2.5 हज़ार तक का, 3 हज़ार तक का डीजल 24 घंटे में हमारा निकल जाता था। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका डबल लोड है, एक आटा चक्की है 24 इंची की और एक इनका तेल का कोलू है, ऑयल स्पेलर। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये टैक्सटोन की हमने ड्राइव लगाई है, 20 एचपी की हैवी मॉडल ड्राइव लगाई है 3 फेस आउटपुट में। ये इसके वायर देखो सारे आ रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पे इसके माध्यम से लोड चल रहा है। मोटर जो है वो बाहर रखी गई है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, इस इंजन से पहले ये इसके माध्यम से इस चक्की को चलाते थे, तो दिन में 2.5 से 3 हज़ार तक का 24 घंटे में के लिए उड़ा देते थे। ये इंजन भी ये जो आप देख रहे हैं ट्रैक्टर का जो इंजन है, 20 एचपी से ज़्यादा का इन्होंने बताया है, तो उससे ज़्यादा का ये है। और दोस्तों, यहाँ पर ये चक्की चल रही है 24 इंची। इसका अभी आपको गल्ला दिखाती है, कितना ये गल्ला ले रही है अभी दोस्तों। जैसा कि मौसम है, अभी भी ये 1.5 से 2 क्विंटल तक गल्ला ले लेती है। आप देख रहे हैं दोस्तों कितना गल्ला इसमें चल रहा है। अगर इस स्पीड से गल्ला चलेगा तो आराम से ये 1.5 से 2 क्विंटल तक गल्ला एक घंटे में निकाल देती है। और अभी तो दोस्तों गर्मियां और बढ़ेंगी, जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी सोलर पैनल से पावर भी और ज़्यादा आएगी, तो दोस्तों 2 क्विंटल तक गल्ला ये निकाल देती है। अब इनका लोड जो है डबल है, आप देख रहे हैं ये ऑयल स्पेलर इसके बगल में खड़ा है, इसको भी ये इसके माध्यम से चलाएंगे। तो दोस्तों, इन्होंने किया क्या था, जैसा कि मैंने बताया कि इन भाई के पास दो प्लांट थे 10-10 एचपी के, 10-10 किलोवाट के थे। उन्होंने दोनों को मर्ज करके एक साथ 20 एचपी में कर लिया और उसके माध्यम से ये ड्राइव लगा करके अब ये इसके माध्यम से लोड चलाएंगे सारा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि बहुत सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि सोलर आटा चक्की के साथ साथ अपना वाटर पंप भी चला रहे हैं। ऐसे हमने बहुत सारे प्लांट दोस्तों लगा दिए हैं। अगर आप जो अब डबल लोड दोस्तों चलाना चाहते हैं, डबल पटे का आपका लोड है कि आटा चक्की का, या आपका धान का सेलर हो या आपका ऑयल स्पेलर हो, अगर डबल लोड आप चलाएंगे आटा चक्की या ऑयल स्पेलर एक साथ में डबल लोड, तो कम से कम 15 किलोवाट का प्लांट आपको लगवाना पड़ेगा। उसमें भी दोस्तों क्या होता है, कभी धूप कम होती है, मौसम ख़राब हो जाता है, मान लीजिए बादल हो गए, तो उसमें क्या है कि आप सिंगल लोड भी तमीज़ से नहीं चल पाता। तो इन भाई ने क्या किया था कि इन्होंने एक 20 एचपी की एक ही मोटर लगा के 960 आरपीएम में क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंपनी सीजी की जो होती है, उसके माध्यम से बोले कि भैया मेरा काम रुकना नहीं चाहिए। तो इन्होंने और जो 10-10 एचपी के प्लांट थे उनको दोनों को एक साथ जोड़ करके एक साथ इंस्टॉल करवा लिया। ऐसे दोस्तों बहुत सारे प्लांट हमने लगाए, ये आप देख रहे हैं पूरा सारा सेटअप हम आटा चक्की के लिए, या बहुत सारे लोग जो अपना पंप बिजली से अभी तक समर्सिबल चला रहे थे उसको भी लोगों ने सोलर के माध्यम से कन्वर्ट करा लिया। वो कह रहे हैं कि भैया हम बहुत खुश हैं, हमारा जो है बिजली का बिल बचता है, डीजल बचता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने सब्सिडी पर सोलर पैनल लगवाया 10 किलोवाट तक का। अब दोस्तों पानी तो पंप चल रहा है, लोग 7.5 एचपी आपका सिंगल पटे का लोड है, तो आप 7.5 एचपी 10 किलोवाट के सोलर से सिंगल पटे का लोड आराम से पूरे दिन चला सकते हैं। हमने जिसमें 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है, आप चला सकते हैं 24 लोड एक साथ चलेगा। कम से कम दोस्तों ये समर्सिबल है, आपको बड़ा सिस्टम लगवाना पड़ेगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने समर्सिबल और चक्की लगाया, ये 3 लोड है, यानी चक्की का डबल पटे का लोड है और समर्सिबल। ये देखिए कह रहे हैं ये जरूरी नहीं कि समर्सिबल मेरा हर समय चलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमने हैवी मॉडल बरसात पड़ने लगती है, तो उस केस में क्या है कि चक्की से अपना पूरा काम चलाते हैं।
और इसके माध्यम से चक्की भी चलाई गई। पहले भी हर वीडियो नंबर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को नंबर हमारा लिखा है, ये हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा करके इससे इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। इतनी आपको कॉस्ट लगने वाली है, वीडियो देखनी हो दोस्तों इसकी 7.5 एचपी की वीडियो डिटेल में डाल दूंगा, 15 एचपी या 20 एचपी अच्छा लगे तो लाइक के माध्यम से आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं टोटल खर्चा कितना आएगा। ये सिस्टम देख रहे हैं दोस्तों, इन भाई ने ये पूरा हमने सिस्टम लगाया था। इनका कहना ये था कि भैया मेरा घर के पास भी खेत है, मुझे अपना समर्सिबल चलाना है, 7.5 एचपी का जो आप देख रहे हैं पूरा ये 4 इंच पानी निकाल रहा है, और इन्होंने बोला था भैया मुझे अपना चक्की का लोड भी चलाना है। तो इनका भी दोस्तों हमने सेम सिस्टम करके दिया था, अभी आपको पूरा दिखाते हैं कि इनका जो खेत और जो बोरिंग की और घर की दूरी है लगभग 70-80 मीटर के आसपास है, तो उतनी दूरी में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आजकल लोग क्या करते हैं 400-500 मीटर दूर भी आराम से घर से ही अपना सोलर पंप चला रहे हैं, और बाकी टाइम में क्या करते हैं वो लोग आटा चक्की चलाते हैं या अपने घर का कोई अदर लोड या घर के जो अप्लायंसेस हैं उसके माध्यम से चलाते हैं। क्योंकि आजकल मार्केट में दोस्तों ऐसे इन्वर्टर भी आ गए हैं जो बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर से आपके घर का लोड चला देते हैं, चाहे उसमें आपका समर्सिबल हो, पानी वाला जेट पंप हो, टुल्लू पंप हो, या घर के जितने भी लोड हों वो सब चला देती है। BFD से सोलर से सिंगल फेज में कन्वर्ट करके दोस्तों घर का लोड नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि BFD में फ्रीक्वेंसी अप डाउन होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मोटर होगी, जो आपके मोटर वाले आइटम, वो अपने RPM को मैनेज कर लेते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी डाउन होगी तो RPM भी नीचे चले जाएंगे। अदर अप्लायंसेज जैसे फ्रिज वगैरह है या और चीज़ें, वॉशिंग मशीन या और दूसरे TV वगैरह, उस केस में क्या है दोस्तों फ्रीक्वेंसी डाउन होगी तो आपका महंगा कोई भी पार्ट्स, घर का आइटम जो है इलेक्ट्रिक, वो ख़राब हो सकता है, उसका कोई पार्ट्स ख़राब हो सकता है। ये देख रहे हैं दोस्तों ये पूरा सिस्टम हमने 10 किलोवाट का लगाया था, इसके माध्यम से यहाँ पर हमने 2 लोड इनको चलाने हैं। जैसे कि ये 10 HP की हमने क्रॉम्पटन कंपनी की BFD लगाई थी 3 फेज में, उन्होंने बोला कि भैया इसके माध्यम से मुझे अपना पंप भी चलाना 7.5 का और एक जो है 18 इंच की चक्की चलानी है। हमने कहा जी आराम से आपका लोड चलता रहेगा, अगर आपको कभी धूप ज़्यादा तेज़ है 2 लोड एक साथ चलाने पड़े तो आप उसके माध्यम से चला सकते हैं, लेकिन बेटर यही होगा कि आप सिंगल लोड ही एक टाइम में इससे चलाएं, तो एक लोड की परफॉर्मेंस इसके माध्यम से पूरी आएगी। तो दोस्तों पूरा वीडियो मैंने आपको दिखा दिया और कैसे हमने 10 HP के 2 सिस्टम को एक सिस्टम बना करके 20 HP की 1 BFD लगा करके पूरा एक सिस्टम बड़ा बना दिया। इन्होंने बोला है कि भैया मेरा घर के पास में खेत है, वहाँ भी मैं वाटर पंप अपना चलाऊंगा उसके माध्यम से, और डबल लोड तो इनका चक्की का है ही, क्योंकि बड़े किसान हैं, बड़ा इनका काम है दोस्तों। 8 वोल्ट का जो तेल वाला कोल्हू है और 24 इंच की आटा चक्की है, आटा चक्की कितना गल्ला ले रही है वो मैंने आपको दिखाया। तो इस तरीके से दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब्सिडी पे 10 किलोवाट तक का सोलर प्लांट वाटर पंप के थ्रू मिल जाता है अप्लाई करने पे 60-70% छूट पे, तो उसको क्या करते हैं कुछ सेल पे खर्चे से और कुछ आपका 10 किलोवाट का है जो एक्स्ट्रा लगता है खुद के खर्चे से, उसको अपडेट करके उसको बड़ा सिस्टम 15 किलोवाट तक का, 18 किलोवाट या 20 किलोवाट का अपनी जरूरत के हिसाब से लोग कर लेते हैं। तो उसमें दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप वाटर पंप चला रहे हैं तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, आपका वाटर पंप सब्सिडी वाले पैनल से ज़रूर चलना चाहिए, खाली टाइम में आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कितना गल्ला है ये यहाँ पे लेके चल रही है चक्की, तो आप समझ रहे होंगे 1.5 से 2.25 क्विंटल हर घंटे पिसाई करेगी, साथ में आपका वो भी चलेगा ऑयल स्पिलर, तो कितनी कमाई इसके थ्रू हो सकती है, 1 पंप 2 काज, यानी 1 से 2 निशान। वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताएँ, और सब्सिडी वाले सोलर से दोस्तों वाटर पंप के लिए मिलता है तो उसका गलत उपयोग ना करें, वाटर पंप जरूर चलना चाहिए तो आप सेफ रहें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।